स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जान लेते हैं कि किस क्रम से हिस्ट्री की क्लास चालू होंगी। हमारे भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग सबसे पहले मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्राचीन और आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से। 712 ईस्वी में अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं, वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है और इसकी एंडिंग औरंगजेब की मृत्यु से इसकी एंडिंग हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, वहीं से इसकी एंडिंग हो जाती है। यानी कि मध्यकालीन इतिहास की जो टाइम पीरियड है वो है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला 1712 से 1206 ईस्वी तक, इसमें हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में। दूसरा जो आता है वो होता है 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसी में हमारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल को भी दो भागों में बांटा गया है। इसका जो मुगल काल का पूरा टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 1857 तक है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड 1707 से ख़त्म हो जाता है। तो मुगल काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्थापित मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1707 तक रहता है, इसको हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। दूसरा है उत्तर मुगल काल, ये है 1707 से 1857 ईस्वी तक, इसे हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और इसी की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और आधुनिक भारत का टाइम पीरियड चालू हो जाता है। यहीं से 1707 ईस्वी से उत्तर मुगल काल भी स्टार्ट होता है। इसका टाइम पीरियड 1707 से 1857 ईस्वी तक है। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल स्टार्ट होता है, इसका टाइम पीरियड 1526 से 1707 ईस्वी तक है। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत की शुरुआत किसके आक्रमण से होती है। तो इसका सही उत्तर है अरबों के आक्रमण से। अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं और यहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग 712 ईस्वी से होती है। चौथा क्वेश्चन है भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। इसका उत्तर आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। अगली क्लासेस में हम लोग मध्यकालीन भारत को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।